फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विभूति भूषण आचार्य। मेरा चैनल हाई फ्लाइंग पिजन में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको हमारे उड़ीसा के जो मेंबर हैं उन लोग के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हमारा ग्रुप है ओडिशा पिजन एसोसिएशन ग्रुप। जिन लोग इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो उन लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेंबर ने बोल रहे हैं कि ग्रुप में कैसे ज्वाइन होंगे, और इसीलिए मैं लिंक भी दे दूंगा, व्हाट्सअप का लिंक दे दूंगा। फेसबुक में भी है ओडिशा हाई फ्लाइंग पिजन एसोसिएशन ग्रुप। और ग्रुप में ज्वाइन करने से लिए आपको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत मेंबर पुराने कबूतरबाज है, नए भी है, उन लोग से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ मेडिसिन वगैरह। कोई नया कबूतर शो कर रहा है उनके लिए भी अच्छा है, कुछ सीखेंगे वो। और कुछ पुराना नस्ल किसको चाहिए, क्या नहीं रख रहा है, उनको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और रिसेंटली अभी ओडिशा पिजन एसोसिएशन का मीटिंग भी चल रहा था, गेट टुगेदर मीटिंग हो रहा था। जिन लोग को इस कबूतर टूर्नामेंट अभी मई अप्रैल में तो होगा, और केंद्रापड़ा पिजन एसोसिएशन भी टूर्नामेंट कर रहा है, कटक में भी हो रहा है, बहुत सारे हमारे उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। अभी ओडिशा पिजन एसोसिएशन में मीटिंग हुआ था, और उधर मीटिंग में फाइनल हुआ कि अभी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होगा कि पिजन टूर्नामेंट होगा। जिन लोग को इंटरेस्टेड है, मैं मेरा नंबर भी डाल दूंगा, अगर किसको इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन भी कर सकता है टूर्नामेंट में। जिन भाइयों को इंटरेस्टेड है कबूतर टूर्नामेंट के लिए, पिजन टूर्नामेंट के लिए, वो लोग इंटरेस्टेड है फॉर्म लेने के लिए, तो मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा ऑर्गेनाइज़र बहुत सारे मेंबर है, केंद्रापड़ा के है, कटक में भी है, भुवनेश्वर में भी है। जिन लोग इंटरेस्टेड है तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। और जो ज्वाइन होने चाहते हैं व्हाट्सअप में, तो इतना मेंबर ज्वाइन नहीं हो सकते। फेसबुक ग्रुप है ओडिशा पिजन एसोसिएशन ग्रुप, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं लिंक वगैरह भी दे दूंगा। मेनली ये वीडियो मैंने बनाया है कि बहुत सारे नया मेंबर है, पुराना मेंबर है, उन लोग को साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं ये फेसबुक का ग्रुप और व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया हूँ। और जो भी पुराना मेंबर है, नया मेंबर है, सब एक ग्रुप में है, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जिन लोग पुराने कबूतरबाज है उनको कुछ भी तरीका न पुराना तरीका उनको आता है, और जो नया रख रहे हैं अभी उनको बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम आता है, तो पुराने मेंबर से भी वो जान सकते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। और ग्रुप में रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टेट में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कौन नया नस्ल रख रहा है, और टूर्नामेंट के बारे में ऑर्गेनाइज डिफरेंट स्टेट में भी हम कर सकते हैं। और अभी उड़ीसा में तो पहली बार ये टूर्नामेंट हो रहा है, मतलब सभी स्टेट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में मिलकर एक टूर्नामेंट होगा, ठीक है। जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग टीम है, मैं भी उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो अभी गेट टुगेदर मीटिंग भी किए थे, केंद्रापड़ा में मीटिंग हुआ था, भुवनेश्वर में भी वो मीटिंग हुआ था। अभी हमारा दिग्विजय भाई और कटक में भी एक भाई है, सीतू भाई है, बहुत सारे भाई है, वो कंडक्ट कर रहे हैं मीटिंग। और टूर्नामेंट का डेट जब फाइनल होगा फेसबुक में हम भी डाल देंगे। जिन लोग को पार्टिसिपेट करना है तो हमारा मेंबर जो है उनको साथ ऐड कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं मेरा सभी भाइयों को थैंक यू करना चाहता हूँ कि सब मेंबर ओडिशा पिजन एसोसिएशन में बहुत सारे नए मेंबर ऐड हुए हैं। और पहले तो मैं ये ग्रुप बनाया था कि हर हमारा उड़ीसा की स्टेट में सब डिस्ट्रिक्ट का मेंबर ये ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, इजीली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कहाँ पर कौन मेंबर कौन सा नस्ल रख रहा है, कौन पुराना कबूतर रखता है, कौन नया रख रहा है। और जब नया रखते हैं जो पिजन, उनको बीमारी आता है, तो पुराने कबूतरबाज तो इस ग्रुप में होंगे, तो उनको भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कुछ मेडिसिन दवाई। और अभी तो सब बाहर के नस्ल का सब कर रहे हैं, सहानपुरी, रामपुरी, पर पुराना नस्ल हम यहाँ ज़्यादा कम हो गया है, पर अभी भी है, इतना नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो मेनली ये ग्रुप में बनाया था कि हमारे सब ओडिशा के मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, किसका कुछ का भेजना है, सेल करना है, कोई ख़रीदना चाहता है,
सब हम जानकारी पा सकते हैं इस ग्रुप में, कब टूर्नामेंट होगा, ऑल इन्फॉर्मेशन हम पा सकते हैं इस ग्रुप में। मेनली ये ग्रुप हम ऐसे बनाए थे, अभी तो बहुत सारे मेंबर हमारा ऐड हो गए, जो नए मेंबर है उनके लिए ये वीडियो है। ऑलरेडी मैं लिंक दे दूंगा, मेरा नंबर भी दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब टूर्नामेंट वगैरह जो इन्फॉर्मेशन रहेगा आप मैसेज भी कर सकते हैं, और जो भी आपको चाहिए आप मैसेज करिए ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इजीली आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मेरे बहुत भाई ने बोला है कि भाई आप तो उड़ीसा से हो, आप तो उड़िया लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, तो आप उड़िया में क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि मेरा वीडियो तो उड़ीसा में देखते हैं, तो वीडियो तो ज़्यादा बाहर भी देखते हैं, तो इसीलिए हिंदी तो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी तो सब कोई समझ सकता है, इसीलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को उड़िया नहीं आता है। तो जय जगन्नाथ। और भाई मैंने आपण मानक पाई ये वीडियो आमर ओडिशा पिजन एसोसिएशन ग्रुप रे जॉइन होइथरु बहुत धन्यवाद। आ द्वारा वीडियो हबा द्वारा वीडियो एवं आमर ओडिशा पिजन एसोसिएशन ग्रुप हबा द्वारा बहुत पिला आमर ए ग्रुप रे जॉइन होइछन। भाई आमर कटक हो, पुरी हो, जगतसिंहपुर हो, खोर्धा सबु डिस्ट्रिक्ट रो भाई माने आम ग्रुप रे एकाठी जॉइन होइछन। तो समस्ते जॉइन हबा द्वारा आमको गोटे ग्रुप बनिया द्वारा आमे इजीली टूर्नामेंट गोटे ऑर्गेनाइज करि परिबा, जहाँ डाटा जहाँ इनफर्मेसन आम भी इजिली आम पाइपर से मुझे ग्रुप टी बन। तो थैंक यू जो नुआ मेम्बर हूँ पुराणा मेम्बर हूँ जॉइन कर टूर्नामेंट रिच्छी इनफर्मेसन जहाँ रटा, तो आमर दिग्विजय भाई आउ बहुत भाई आमर अच्छा। तो फेसबुक पेज रे आमर के टूर्नामेंट तो तार डाटा इनफर्मेसन डेट सबूर लिंक दिहब, व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य शेयर करा जीवो। ठीक अच्छे मो वीडियो को जदि आपण को अच्छा लगुच भल लगुच तो आप लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ, थैंक यू। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।